स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सपना विश्वकर्मा एजुकेशन पे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए 1-5 एंड बी 4-5 इज डिवाइडेड बाई एक्स एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिविजन। ठीक है, तो चलिए हम लोग निकालने का कोशिश करते हैं। इसको रेशियो निकालना है तो सेक्शन फॉर्मूला से ही निकलेगा। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हम लोग कि एक लाइन सेगमेंट है जिसका एक पॉइंट है आपका ए और इसका कोऑर्डिनेट है 1-5। ठीक है, और एक पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट है आपका 4-5। ठीक है, अब ये क्या होता, अब यहाँ क्या बोल रहा है कि ये लाइन सेगमेंट जो है वो एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं कि ये एक पॉइंट सी है जो कि एक्स एक्सिस के द्वारा डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब हम लोग का एक्स एक्सिस इस जगह पे देखिए, ये वाई एक्सिस होता है वर्टिकल लाइन और ये एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, तो जब हम लोग का एक्स एक्सिस पे लाइन डिवाइड होगा तो y एक्सिस क्या हो जाएगा, इस जगह पे y एक्सिस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसका कोऑर्डिनेट x एक्सिस और y 0, क्योंकि y एक्सिस पे तो वो ये डिवाइड हो नहीं रहा है, सिर्फ x पे हो रहा है। ठीक है, तो y हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ गए यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को क्या निकालना है यहाँ पे हम लोग को रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लोग सपोज कर लेते हैं कि रेशियो क्या है, जब रेशियो नहीं दिया हुआ रहता तो क्या मानते हैं हम लोग, के रेशियो 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सपोज कर ले रहे हैं कि सपोज द रेशियो इज के रेशियो 1। ठीक है, तो हम लोग को जैसा कि सेक्शन फॉर्मूला पता है कि होता है ये सेक्शन फॉर्मूला, इसको शॉर्टकट में मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, तो ये क्या होता है आपका, एक्स एक्सिस के लिए होता है m1 x2 + m2 x1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ठीक है, और वाई एक्सिस के लिए सेक्शन फॉर्मूला होता है आपका m1 y2 + m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 + m2। ठीक है, ये होता है आपका सेक्शन फॉर्मूला। तो चलिए हम लोग इसी फॉर्मूले पे वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले a1 m2 क्या है, रेशियो होता है, तो रेशियो हम लोग के रेशियो 1 माने हैं, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये m1 है और ये है 1 m2। ठीक है, अब x1 x2 क्या होता है, लाइन सेगमेंट का पॉइंट होता है। ठीक है, तो इसको x1 हम लोग सपोज कर ले रहे हैं और इसको y1 सपोज कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको x2 सपोज करते हैं और इसको y2 मान लेते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक? अब देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, x के लिए और y के लिए है, तो डिवाइड यहाँ से होता है, c से होता है। ठीक, तो इसको x और इसको y मान लेते हैं, y 0 है। ठीक, तो चलिए इसी पे हम लोग वैल्यूज को पुट करते हैं। x आपका x ही है, इक्वल टू k है इनटू x2 है आपका -4 + m2 है आपका 1 × m1 x1 है आपका 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी k + 1। ठीक है, अब y पे आते हैं हम लोग। y क्या है यहाँ पे, y 0 है क्योंकि y कोऑर्डिनेट पे डिवाइड नहीं होता है। ठीक है, तो y को 0 ले लेते हैं, इक्वल टू m1 है आपका k इंटू y2 है आपका 5, यहाँ देखिए y2 5 है, + m2 है आपका 1 × y1 है -5। ठीक है, डिवाइडेड बाय m1 + m2 यानी k + 1। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं पहले। तो इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर लेते हैं, इसको 1 मान लेते हैं यहाँ पे क्योंकि 1 ही होता है। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो देखिए क्या होगा, ये 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो -4k × 1 क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा।
ठीक है, अब देखिए वन वन जब वन और वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वन, तो प्लस वन, ठीक है, इक्वल टू, अब इस एक्स से इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, एक्स के प्लस एक्स, ठीक है, एक्स वन जा एक्स, ये आ गया। अब के को एक एक तरफ कर लेते हैं और एक्स को एक तरफ कर लेते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, माइनस फोर के प्लस, और ये एक्स के इधर है इधर जाएगा तो माइनस एक्स के हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, ये प्लस वन इधर चला जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो एक्स माइनस वन। अब हम लोग को इसमें एक्स का वैल्यू पता ही नहीं है तो इसको पहले एज इट इज ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि वाई हम लोग का जीरो आ गया है और इससे निकालेंगे तो इसका के का वैल्यू निकल जाएगा यानी रेशियो निकल जाएगा, तो जो वाई का रेशियो होगा वही एक्स का रेशियो होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लोग मान लेते हैं 0/1 है क्योंकि 1 ही रहता है। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे इस 1 से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 है, ठीक है, तो 5k इंटू 1 कितना हो जाएगा, 5k हो जाएगा, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 1 जा 5 और 1 जा 5, ठीक है, तो प्लस माइनस 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 5 हो जाएगा, इक्वल टू, अब देखिए इस पूरे को इस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं तो 5k इक्वल टू, ये -5 है तो इधर जाके +5 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, अब इसको काट देंगे तो 5 1 जा 5, यानी कि रेशियो आपका क्या आ गया, के का रेशियो आपका आ गया 1:1, के का वैल्यू 1 आया और रेशियो आया 1:1, ठीक है, तो यही आपका हो गया रेशियो आंसर, ठीक है, यही हम लोग को रेशियो निकालना था। अब हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट भी निकालना है इसके डिवीजन का, पॉइंट के डिवीजन का कोऑर्डिनेट। तो वाई तो हम लोग को पता है 0 है लेकिन एक्स हम लोग को नहीं पता है, तो एक्स का मान निकालेंगे हम लोग, तो यहाँ देखिए के का वैल्यू 1 आया तो हम लोग यहाँ से लाइन ही खींच दे रहे हैं, ठीक है, जिससे पता चल जाएगा कि कहाँ से अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ देखिए के का वैल्यू क्या आया, 1 आया, तो इसी 1 को हम लोग इसमें पुट करेंगे क्योंकि जो रेशियो इसमें आता वही रेशियो एक्स में भी आएगा, ठीक है, तो के का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो देखिए क्या होगा, -4 इंटू के का वैल्यू है 1 माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स एक्स को एक जगह पे ले जाते हैं, ठीक है, और ये कांस्टेंट वैल्यू को एक जगह पे ले आते हैं, तो यहाँ पे देखिए माइनस एक्स हो जाएगा, एक्स इंटू 1 माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, और ये प्लस एक्स है, ठीक है, तो ये एक्स हो गया और ये माइनस एक्स को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक है। अब इक्वल टू करते हैं, ये -4 है, ठीक है, 4 1 जा 4, ये -1 को इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम लोग एक्स का वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू माइनस प्लस माइनस, तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। अब एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका, एक्स का आ गया -3 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यहाँ पे लाइन दे देते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग को क्या आ गया, एक्स का वैल्यू -3 डिवाइडेड बाय 2 आया, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि कोऑर्डिनेट ऑफ डिवीजन ऑफ पॉइंट इज क्या है, कोऑर्डिनेट आपका एक्स और 0 है, ठीक है, तो एक्स का वैल्यू आपका क्या आ गया, एक्स का वैल्यू आ गया आपका -3/2, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं -3/2 और 0, ठीक है, ये हो गया आपका पॉइंट का कोऑर्डिनेट, ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, और रेशियो आपका आया था 1:1, ये भी हो गया आंसर आपका। तो समझ गए आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, धन्यवाद।